इस अंदाज में भाईजान जाबाज लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अगर सर ऊपर करके बला को देख लिया तो फिर वो पत्थर के बन जाएंगे। जाबाज है पत्थर। वाह भाईजान वाह, बिना देखे भला को चांद तारे दिखा दिए। वाह, आज तक ऐसी लड़ाई देखी नहीं। भाईजान अभी तो तू जमीन पे गिरा है, लेकिन तेरे ऊपर जाने का वक्त आ गया है। रखवाला कहाँ है? वो रखवाला बाला की गुफा में ही है मालिका। बाला उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आज उसकी मौत बात की है। याद रहे, अगर वो मर भी जाए तो भी उसकी लाश को घसीटते हुए मेरे पास ले आना। तलिस्मान मैं खुद छीनूंगी उससे। जो हुक्म मालिका। अली, बला वो बला है जिससे आज तक कोई नहीं बच सका। अब तू कैसे बचेगा? अजीब सी आवाज आ रही है, मुझे लगता है कि हमें अंदर जाना चाहिए। जाओ अंदर जाओ, देखो क्या हो रहा है। याद रहे, वो मुस्तफा का बेटा अली है, वो बचना नहीं चाहिए। जाओ। बहुत दौड़ाया है तूने हमें जादूगर अली, आज इस गुफा से बाहर तू जिंदा नहीं जा पाएगा।
बाबा, अब जहाँ कहीं भी हो जल्दी आ जाओ। सिम्मी जान हम सब पर काला जादू कर रही है। दादी की जान लेने की कोशिश की है उसने। मैं घर वालों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ बाबा, लेकिन अब घर वालों को आपकी ज़रूरत है। आप जिस भी मकसद से गए हैं उस मकसद को पूरा करके जल्दी वापस आ जाइए, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं ठीक हो गया भाईजान, भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया। भाईजान बड़ा टनी, जान बचाने के लिए शुक्रिया भाईजान। एक बार तुमने हमारी मदद की, इस बार हमने, हिसाब बराबर। शुक्रिया। शुक्रिया हसन, हमारा सफर यहीं तक था, अब यहाँ से तुम जा सकते हो। भाईजान वापस जाना होगा मेरे बिना? नहीं भाईजान, अब मैं आपके साथ जाऊंगा, हर जंग में मैं आपका साथ जरूर दूंगा भाईजान। लेकिन आगे बहुत खतरा है। आपके होते हुए कैसे खतरा? जिस बहादुरी से बला को मारा है और मेरी जान बचाई है, मुझे यकीन हो गया भाईजान आपको कोई नहीं रोक सकता। माफ कर देना दादी, मैं सिम्मी जान से आपको बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, और आपकी ये हालत हो गई। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब और नहीं, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने परिवार को यूं बिखरता हुआ नहीं देख सकती। हकीम साहब ने बोला था कि इनमें से एक नीली दवाई जहर का काम करेगी। इस जहर को चुराने के लिए माफ करना हकीम साहब, लेकिन मुझे अपने घर वालों को बचाना होगा और उनके जिंदा रहने के लिए सिम्मी जान को मरना होगा। और आज इसी मौत जलजला जहर से मरेगी सिम्मी जान। बाबा के वापस आने तक मैं बचाऊंगी अपनों को। पर भाईजान हमें जाना कहाँ है? आश्रम। आश्रम? साई ने जिन इंसानों को पुतला बना दिया है, मुझे उन्हें वापस इंसान बनाना होगा। उसी के लिए मैं ये मणि लेने आया था, और अब आश्रम के भिक्षु के साथ मिलकर मुझे पुतलों को वापस इंसान बनाना है। लेकिन याद रहे, नजर हटी तो जान भी जा सकती है, हमेशा चौकन्ना रहना होगा। भाईजान मैं हमेशा चौकन्ना रहता हूँ, चींटी भी जब चलती है तो उसके चलने की आवाज मैं सुन लेता हूँ, मेरे कान हमेशा खुले रहते हैं भाईजान। ये आवाज कैसी? कैसी आवाज भाईजान, मुझे तो कुछ सुना ही नहीं दिया। सुनाई तो क्या, अब दिखाई भी दे रहा है। 40 चोर,
बलाओ से तो तू बच गया, लेकिन अब हमसे नहीं बचेगा रखवाले। अरे कहाँ पिटने चला है तुम दोनों यहाँ? अभी भी भाईजान ने बला को सबक सिखाया है, अभी खून गरम है। अपनी इज्जत अगर तैयारी हो तो अभी से भाग जाओ, वरना पीट पीट के ऐसी हालत हो जाएगी कि किसी का मुंह दिखाने के लायक रहोगे नहीं। वैसे तुम दोनों किसी का मुंह दिखाने के लायक हो ही नहीं, वैसे भी कितनी गंदी शक्ल है तुम दोनों की। गला पकड़कर रूह खींच लो उसके शरीर से और फिर उसे घसीट दो मेरे पास लेकर आओ, ताकि मैं उससे मेरा तलिस्मान छीन सकूं। हाँ भैया, जहर की शीशा अगर सिमी जान ने देख लिया तो? नहीं अलीफी, ये डरने का वक्त नहीं है, ये हिम्मत दिखाने का वक्त है। सिमी जान को मारने के लिए वो शीशी चाहिए होगी। तूने हमें बहुत भगाड़ी गाली, आज तो तेरी मौत पक्की है। इस रखवाले पे मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? खबीस मरीद, क्या अली मर गया? खबीस, तुम दोनों आवाज क्यों नहीं दे रहे हो? क्या अली मरा?
ये तो मेरे लिए लाई हो। तौबा, मैं तो मजाक कर रही थी। ये लो तुम्हारा इत्र। शुक्रिया। शुक्रिया, ये चीज़ इत्र की थी। अगर इसमें इत्र की खुशबू नहीं आती तो सिमी जान जान जाती कि यह जहर है। आलिफी, तुझे सिमी जान को यह जहर देके मारना ही होगा। अपने अंदर ये हिम्मत, ये जज्बा, ये उम्मीद जगानी होगी, कि बाबा कहते हैं कि उम्मीद में डर से ज्यादा ताकत होती है। बाबा, आज इसी उम्मीद को अपना हथियार बनाकर अपने परिवार को बचाएगी आपकी अलीफी। शुक्रिया भाईजान, मुझे आपके साथ लाने के लिए। मैं जानता था आप मुझे आपके साथ ले चलोगे, लेकिन भाईजान ये कौन सी जगह है? ये हम कहाँ आ गए? आश्रम। आश्रम? ये वो पाक जगह है जहां वो नेक दिल भिक्षु रहते हैं। ये इंसानों को अपने मकसद, अपनी मुराद को पूरी करने के लिए नई राह दिखाएगा। ये वो जगह है जहां हम पुतलों को वापस इंसान बना सकते हैं। किसने किया ये सब? तुम्हारे जाने के बाद 40 चोर यहाँ आए थे और खुद को संभालिए भाईजान। उन 40 चोरों ने इन भिक्षुओं के साथ जो किया उसकी सजा आपने उन्हें दे दी है। बस अब ये सोचिए कि हम दोनों को आगे क्या करना है। मतलब आपको आगे क्या करना है? तुम आ गए, बहुत खुशी हुई तुम्हें यहां देखकर। तुमने बला को खत्म कर दिया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया तुमने। जब बात मासूम इंसानों की हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये लीजिए, इस मणि से अब हम पुतलों को वापस इंसान बना पाएंगे। शाबाश। ये आपकी अमानत, आपकी तलवार। अगर ये तलवार मेरे साथ ना होती तो आज मैं ये मणि ना ला पाता। इस तलवार ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। तुम तक पहुंचने से पहले इसने हर मोड़ पर तुमसे इम्तिहान लिया है और हर इम्तिहान में तुम सही होते आए हो। ये तुम्हारी है, तुम ही हो इस शक्तिशाली तलवार के असली हकदार। तुम्हारे आने वाले जंग में ये तलवार तुम्हारे बहुत काम आएगी। शुक्रिया। चलो, अब पुतलों को इंसान बनाने का वक्त आ गया है। नफी, अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो बाबा तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमसे ऐसे छुप कर मत रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.